अगर आपको इतनी सी बात समझ आ गई ना कि चाहे आपकी स्किन में, इवन आपकी बॉडी में जहाँ भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो उसको ठीक किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ नेचुरल तरीके से, या जो चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, चाहे आपको पिगमेंटेशन है, आपको डार्कनेस की प्रॉब्लम है, कई बार हो जाती है जब हम स्किन को टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करते हैं तो डार्कनेस की प्रॉब्लम भी हो जाती है, ठीक है, या फिर आपको पिंपल्स वगैरह होते हैं, या फिर आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, सिर्फ यही एकमात्र तरीका है, इसके सिवा कोई और दूसरा तरीका नहीं है। अगर इतनी सी बात आपको समझ आ गई ना तो कोई नहीं रोक सकता आपकी स्किन को ग्लोइंग होने से। जो आपका बाय बर्थ जो कलर था आपका, चाहे वो कैसा भी हो, देखिए टोन होना अलग चीज़ है, ऐसा नहीं है कि हम गोरे हो जाएंगे, लेकिन जो भी एक्चुअल आपकी टोन थी ना वो आपको मिल जाएगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब। आज है पिगमेंटेशन की जो सीरीज चल रही थी उसका 20th डे, यानी कि 20 दिन हो चुके हैं हमें इस सीरीज़ को करते हुए, तो क्या रिजल्ट हमें मिले हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके साथ साथ कुछ डाउट्स हैं, कई बार कुछ लोगों का वेट ज़्यादा होता है तो वो नहीं समझ पाते हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को खाएं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों की हैबिट नहीं होती है, उनको लगता है कि इतना सारी चीज़ें किस तरह से खाई जाए। बात रही सनस्क्रीन की, जो कि मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, अभी तक मैं कोई सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसका भी यही कारण है कि जो भी नेचुरल चीज़ें हम लगा रहे हैं, जो ऑयल मैंने बोला है आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, ये भी एक नेचुरल सनस्क्रीन का ही काम करती है। सिर्फ 2 बूंद आपको वो लगानी होती है, वो भी एक नेचुरल सनस्क्रीन का काम करती है। तो क्योंकि हम कोई भी किसी भी तरह का केमिकल अपनी स्किन पे इस दौरान यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप नए हैं देख रहे हैं तो ध्यान रखें कि कोई भी मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट हमें अपनी स्किन पे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 100% नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए देखें। तो सबसे पहली बात, किसी भी चीज़ को छोटा समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आज जो छोटी सी प्रॉब्लम है ना, या किसी भी बीमारी को छोटा समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आज जो छोटी सी बीमारी है आगे चल के वही बड़ी बनती है, हमें नहीं पता लगता है, पता लगा आज पिंपल है कल वो बहुत बड़ा कुछ बन जाएगा। इसलिए इग्नोर करने का अगर आपका नेचर है ना तो उसको ख़त्म कीजिएगा, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो, कोई भी काम आप कर रहे हैं उसको ख़त्म करना है। तो इग्नोर किसी भी चीज़ को नहीं करना है, ना ही किसी भी चीज़ को छोटा समझना है, क्योंकि हम नेचुरल तरीके से चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, जो कि आज के टाइम पे जिनको कुछ भी नहीं माना जाता है। इसलिए थोड़ा सा ट्रस्ट और बिलीव के साथ ये काम करेंगे तो हमारी स्किन बहुत अच्छी होने वाली है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं फेस क्लीन की, जो कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लगभग 80% जो लोग हैं ना वो ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। किस तरह से, वो है कि किसी भी चीज़ का एप्लीकेशन करके, कोई भी चीज़ लगा करके स्किन को ज़्यादा क्लियर किया जा सकता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्किन को ये चीज़ें काम नहीं करती हैं, काम करती हैं, लेकिन एक तरीका होता है और एक हर चीज़ को, कोई भी चीज़ हो उसको टाइम टू टाइम क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन महंगे प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी चीज़ आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप इसको 7 डेज यूज़ करोगे ना तो आपको पता लगेगा कि आपकी स्किन में क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या होने वाला है, वो है कि जो कच्चा दूध होता है हर एक स्किन टाइप को सूट करेगा, मैं आपको बोल रही हूँ। अगर नहीं करता है तो आप उसकी जगह दही ले सकते हैं। दही अगर आपको यूज़ नहीं करनी है तो आप रोज़ वाटर ले सकती हैं, मतलब मिरेकल काम करती हैं ये चीज़ें। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम 2 दिन करते हैं और हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया है और कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको 1% भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि वो चीज़ काम कर रही है, तो आपने सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो क्या है, कच्चा दूध आपने लेना है, उसके अंदर लेना है कस्तूरी हल्दी, जो कि इतनी बार आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है कि कस्तूरी हल्दी मेरी फेवरेट है। मेरे जो फेवरेट इंग्रेडिएंट्स अगर मैं बताऊँ ना तो वो कस्तूरी हल्दी है, और उसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, वो आप जब आप उसको फील करते हैं तो किसी भी फेस वॉश को वो फील कर देती है, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं फेवरेट जो कि आगे कभी शेयर करूँगी। तो अभी मैं बता रही थी आपको कस्तूरी हल्दी के बारे में, थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी उसमें डालिए, ज़्यादा नहीं। जब भी आप दूध गर्म करते हैं ना, हो सकता है किसी के पास उसी टाइम टाइम ना हो, क्योंकि हर किसी का काम, हर किसी का जो टाइम टेबल है वो अलग है। तो आप क्या कर सकते हैं, दूध को थोड़ा सा दूध, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतना हमें नहीं चाहिए है, डेली आप इतना सा दूध फ्रिज में रख दो, और आपको जब भी अपना फेस वॉश करना है ना तो उसमें हल्दी मिला के आप रख सकते हो। सेम डे आपने उसको ख़त्म करना है। तो जब भी आपको, जैसे इवनिंग में आपको लगे कि फेस बहुत क्लीन नहीं लग रहा है, चिपचिपा फील हो रहा है, या फिर जब आप सन में बैठते हैं, जब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई है तो मुझे क्लीन करना है, वॉकिंग वगैरह करके आते हैं, एनी टाइम
ठीक है। तो आपने क्या कर लेना है, एक कॉटन लेना है, एक रुई लेनी है, उसमें डीप करनी है पूरे फेस पे। पहले करनी है मसाज बिल्कुल हल्के हाथों से, जैसा आप साइड में देख पा रहे हो इस तरह से अपने फेस को, मतलब उसको लगाना है। लगाने के बाद हल्के हल्के हाथों से मसाज कर दे, और जो आपका कॉटन था उसको स्क्वीज करके और फिर उसी से अपने फेस को वाइप कर दो, ठीक है। वाइप करने के बाद हल्का सा दूध अपने हाथ में लेकर कुछ इस तरह से आप लगा के उसको छोड़ सकती हैं, अगर आपके पास टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है तो बस उसको वाइप करके और प्लेन पानी से आप वॉश कर सकती हैं, ठीक है। एक और चीज़, अगर आपके पास टाइम है तो जो मास्क मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था उसी को, इसी के ऊपर आप उसको भी अप्लाई कर सकती हैं और फिर अपने फेस को वॉश कर लो। स्किन केयर बहुत सिंपल है, इससे सिंपल जो हमारा स्किन केयर है ना वो हो नहीं सकता, इतना सिंपल ये हमारा स्किन केयर है। तो आपने सिर्फ इतनी सी चीज़ें करनी है और उसके बाद अपना करना है स्किन केयर, जो कि है टोनर है। मैंने एक ऑयल आप लोगों के साथ शेयर किया है, उस ऑयल को प्लीज़ बनाइए, यूज़ कीजिए। मैं यूज़ कर रही हूँ पिछले 20 डेज से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। एलोवेरा को भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद मैं करती हूँ, क्योंकि दिन में देखिए क्या होता है, सिर्फ 2 बूंद उस ऑयल की लेनी है हमने और अपने फेस पे लगानी है। उसके बाद आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा लीजिए और आपको इतनी सॉफ्ट स्मूथ स्किन फील होगी। और मेरी स्किन आप देख पा रहे हो कि किस तरह से काम कर रही है, नोज़ देखिए कितनी अच्छे से क्लीन हो चुकी है, किसी भी तरह का ब्लैक हेड, वाइट हेड, कभी फेशियल की तो आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं अगर आप इन नेचुरल चीज़ों को यूज़ करेंगे तो। अगर आपकी पिगमेंटेशन की ठीक होने की मैं बात करूँ ना, तो बीच बीच में आपको इस तरह से फटती हुई वो दिखेगी, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क था हो सकता है वहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा भी आपको दिख सकती है, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं पे ये आपको फटती हुई दिखेगी, इसका मतलब ये काम कर रही है। या फिर स्किन टू स्किन या पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हो सकता है किसी की फेड होने स्टार्ट हो जाए, तो ये आपने देखना है इस तरह से ये काम करती है। हल्का फुल्का कहीं पर भी एक डॉट आपको दिख रहा है वाइट कलर का, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से वो चली गई है और क्लीन होने लगी है, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान देखना। इसी तरह से ये ठीक होती है, अगर काम कर रही है तो इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप कर रही हैं उसको लगातार कीजिए और ये काम करेगी। 20 दिन में अगर ऐसे रिजल्ट है तो सोचिए आपको और अगले 10 दिन में, लेकिन चीटिंग नहीं होनी चाहिए, लगातार ये चीज़ें हमने करनी है। रही बात खाने पीने की, तो खाने पीने का मैंने जो भी शेयर किया आप लोगों के साथ, बहुत से लोगों को डाउट है कि वो नहीं खा सकते हैं। देखिए, जिन लोगों को लगता है कि चीज़ें हमें हीट हो रही हैं, गर्म हो रही हैं, तो वो लोग उन चीज़ों को भिगो के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका यही होता है, जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, खासकर सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, उनको भिगो के खाइए, बहुत अच्छे से आपको उनके बेनिफिट रहेंगे। और खाने में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ग्रीन वेजिटेबल जितनी ले सकते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए। जब आप रोटी बनाती हैं तो उसमें उसको डाल लीजिए, जो भी पालक, मेथी, धनिया, जो भी है, या जो भी और ज़्यादा अगर कुछ करना चाहते हैं ना, तो डेली इन चीज़ों को लेना स्टार्ट कीजिए, पालक, मेथी, धनिया, जो भी चीज़ें ना, इन ग्रीन वेजिटेबल्स को जो भी आपके घर में बना है वो बनने दीजिए, उसको खाइए। साइड में थोड़ा सा इतनी सी जो वो है पालक है, मेथी है, उनको थोड़ा थोड़ा लेके और जीरा डाल के, घी डाल के, और हल्का सा फ्राई कर लो, जो भी आपको ग्रीन चिली डालनी है, रेड चिली डालनी है, वो डाल के साइड में ले सकते हो। बहुत से तरीके हैं चीज़ों को करने के, लेकिन हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा तभी चीज़ें होंगी। अब बहुत से लोगों को लगता है कि सैलेड खाना है, देखिए सैलेड क्यों बोला जाता है खाने के लिए, जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं ताकि, क्योंकि प्रॉब्लम जो है ना वो हमारे स्टमक से है, हमारी स्किन में प्रॉब्लम नहीं है। स्किन में तो वो दिखाई दे रही है कि आप अंदर से कितने हेल्दी हैं, तो उस चीज़ को हम ठीक कर रहे हैं, इसलिए काम कर रहे हैं हम स्टमक के ऊपर। तो जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं ना, इससे आपको इतना लाइट फील होगा और आपका स्टमक जो है बिल्कुल क्लीन रहेगा, हेल्दी रहेगा। जब हम अंदर से हेल्दी होंगे तो चाहे वो ब्लड की कमी हो, चाहे वो किसी भी विटामिन्स की कमी हो, वो सारी हमारी मतलब पूरी होने लगती है। जब वो पूरी होती है ना, तो चीज़ें धीरे धीरे सारी चीज़ें काम करती हैं और आपको वो रिजल्ट्स आपके फेस पे, आपकी स्किन पे, आपके हेयर पे और आपकी हेल्थ पे देखने को मिलते हैं। और यही हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ट्रस्ट करें। और कोई भी चीज़ इस तरह से नहीं है जो काम कर सकती है। आपको लस्सी लेनी है, आप गुड़ खा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स लें, आप फ्रूट्स लें, आप सैलेड लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, रोटी अगर बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ग्रीनी लीफ हम ऐड कर सकते हैं, दही, लस्सी, जो आपको सूट करती है वो ले। लगता है कि बहुत ज़्यादा हम नहीं खा पाते हैं तो आप पोर्शन को थोड़ा थोड़ा करके हम ले सकते हैं, लेकिन लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो यही थी एक छोटी सी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।